आवाज कम करते हुए कहा, मेरा मनहूस मुकदमा मेरा सब कुछ ले लेता है और कोई प्रगति नहीं करता। क्या तुम यकीन करोगे? मेरे पास सचमुच एक पैसा भी नहीं है और मैं नहीं जानती कि बोरिस को कैसे सुसज्जित किया जाए। उसने अपना रुमाल निकाला और रोने लगी। मुझे 500 रूबल की जरूरत है और मेरे पास केवल एक 25 रूबल का नोट है। मैं ऐसी स्थिति में हूँ। अब मेरी एकमात्र उम्मीद काउंट सिरिल व्लादिमीरोविच पेजुखोव है। यदि वह अपने गॉडसन की सहायता नहीं करेगा, आप जानते हैं कि वह बोरी का गॉडफादर है और उसे उसके भरण पोषण के लिए कुछ नहीं देगा, तो मेरी सारी परेशानी बेकार हो जाएगी। मैं उसे सुसज्जित नहीं कर पाऊंगा। काउंटेस की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह चुपचाप सोचने लगी। मैं अक्सर सोचती हूँ शायद यह पाप है, राजकुमारी ने कहा, कि यहाँ काउंट सिरिल व्लादिमीरोविच पेजुखोव इतना अमीर अकेला रहता है। इतना बड़ा भाग्य और उसका जीवन किस काम का? यह उसके लिए बोझ है और बोरी का जीवन तो अभी शुरू ही हुआ है, काउंटेस ने कहा। निश्चित रूप से वह बोरिस के लिए कुछ छोड़ जाएगा। भगवान ही जानता है मेरे प्यारे, ये अमीर लोग कितने स्वार्थी हैं। फिर भी मैं बोरिस को लेकर तुरंत उससे मिलने जाऊंगी और उससे खुलकर बात करूंगी। लोग मेरे बारे में जो भी सोचें, मेरे लिए यह सब एक जैसा है। जब मेरे बेटे का भाग्य दांव पर लगा हो, राजकुमारी उठी। अभी 2 बजे हैं और तुम 4 बजे भोजन करोगे, बस समय होगा। और एक व्यावहारिक पीटर्सबर्ग महिला की तरह, जो समय का अधिकतम उपयोग करना जानती है, अन्ना मिखाइलोवना ने किसी को अपने बेटे को बुलाने के लिए भेजा और उसके साथ प्रवेश कक्ष में चली गई। अलविदा मेरी प्रिय, उसने काउंटेस से कहा, जो उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी, और फुसफुसाते हुए कहा, ताकि उसका बेटा सुन न ले, मुझे शुभकामनाएं दे। क्या तुम काउंट सिरिल व्लादिमीरोविच के पास जा रही हो मेरे प्यारे? काउंट ने डाइनिंग हॉल से बाहर आकर एंटर रूम में कहा और उसने आगे कहा, अगर वह ठीक है तो पियरे को हमारे साथ भोजन करने के लिए कहो। वह घर पर आ चुका है, तुम जानती हो, और बच्चों के साथ नृत्य किया है। उसे आमंत्रित करना सुनिश्चित करें मेरे प्यारे। हम देखेंगे कि आज तारास खुद को कैसे अलग करता है। वह कहता है कि काउंट ओलोव ने कभी ऐसा डिनर नहीं दिया जैसा हमारा होगा। अध्याय पम। मेरे प्यारे बोरिस, राजकुमारी अन्ना मिखाइलोवना ने अपने बेटे से कहा, जब काउंटेस रोस्तोवा की गाड़ी, जिसमें वे बैठे थे, पुआल से ढकी सड़क पर चली गई और काउंट सिरिल व्लादिमीरोविच पेजुखोव के घर के चौड़े आंगन में मुड़ गई। मेरे प्यारे बोरिस, माँ ने कहा, अपने पुराने लबादे के नीचे से अपना हाथ खींचकर और उसे डरते डरते और कोमलता से अपने बेटे की बांह पर रखते हुए उसके प्रति स्नेही और चौकस रहना। काउंट सिरिल व्लादिमीरोविच आखिरकार तुम्हारे गॉडफादर हैं और तुम्हारा भविष्य उन पर निर्भर करता है। इसे याद रखना मेरे प्यारे, और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो। काश मुझे पता होता कि इससे अपमान के अलावा कुछ और भी होगा, उसके बेटे ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, लेकिन मैंने वादा किया है और तुम्हारे लिए यह करूंगा। यद्यपि हॉल के द्वारपाल ने प्रवेश द्वार पर किसी की गाड़ी खड़ी देखी थी, फिर भी माँ और बेटे को ध्यान से देखने के बाद, जो बिना बताए सीधे आलों में मूर्तियों की पंक्तियों के बीच कांच के बरामदे से गुजर गए थे, और महिला के पुराने लबादे को ध्यान से देखने के बाद उसने पूछा कि क्या वे काउंट को चाहते हैं या राजकुमारियों को। और यह सुनकर कि वे काउंट को देखना चाहते हैं, उसने कहा कि महामहिम आज ज्यादा खराब है और महामहिम किसी को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बेटे ने फ्रेंच भाषा में कहा, हमें वापस लौटना चाहिए मेरे प्यारे, उसकी माँ ने विनती पूर्वक कहा और फिर से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, मानो वह स्पर्श उसे शांत कर देगा या जगा देगा। बोरिस ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना लबादा उतारे बिना अपनी माँ की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मेरे दोस्त, अन्ना मिखाइलोवना ने हॉल के दरबान को संबोधित करते हुए कोमल स्वर में कहा, मुझे पता है कि काउंट सिरिल व्लादिमीरोविच बहुत बीमार है, इसलिए मैं आई हूँ। मैं रिश्तेदार हूँ, मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगी। मेरे दोस्त, मुझे केवल प्रिंस वासिली सर्गेविच से मिलना है, वे यहीं रह रहे हैं, है ना? कृपया मुझे सूचना दे। हॉल के दरबान ने उदास होकर घंटी बजाई जो ऊपर बज रही थी और मुड़कर चला गया। राजकुमारी त्रुबेत्स्काया राजकुमार वासिली सर्गेविच से मिलने आई है। उन्होंने घुटनों तक की पैंट, जूते और स्वेलोटेल कोट पहने एक नौकर को पुकारा, जो दौड़कर नीचे आया और आधी सीढ़ी से देखने लगा। माँ ने दीवार पर लगे एक बड़े वेनेसियन दर्पण के सामने
अपनी रंगी हुई रेशमी पोशाक की तहों को ठीक किया और अपने घिसे पिटे जूतों में तेजी से कालीन वाली सीढ़ियां चढ़ी। मेरे प्यारे, उसने अपने बेटे से कहा। एक बार फिर उसे स्पर्श करके उत्तेजित करते हुए, तुमने मुझसे वादा किया था। बेटा अपनी आंखें नीची किए चुपचाप उसके पीछे चला गया। वे बड़े हॉल में दाखिल हुए जिसका एक दरवाजा राजकुमार वासिली को आवंटित अपार्टमेंट की ओर खुलता था। जैसे ही माँ और बेटा हॉल के बीच में पहुंचे, वे एक बुजुर्ग नौकर से उनका रास्ता पूछने वाले थे, जो उनके प्रवेश करते ही अचानक सामने आ गया था। तभी एक दरवाजे का पीतल का हैंडल घूमा और राजकुमार वासिली बाहर आए, एक मखमली कोट पहने हुए जिसकी छाती पर एक सितारा लगा हुआ था। जैसा कि घर पर उनका रिवाज था, एक अच्छे दिखने वाले काले बालों वाले आदमी से विदा लेते हुए, यह पीटर्सबर्ग का प्रसिद्ध डॉक्टर लॉरेन था। तो फिर यह निश्चित है, राजकुमार ने कहा। राजकुमार मानवम एस्ट एरे, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दिया अपने आर को निगलते हुए और लैटिन शब्दों को फ्रांसीसी उच्चारण के साथ उच्चारण किया। गलती करना मानवीय स्वभाव है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अन्ना मिखाइलोवना और उसके बेटे को देखकर राजकुमार वासिली ने डॉक्टर को झुककर विदा किया और चुपचाप और पूछताछ भरी नजर से उनके पास गया। बेटे ने देखा कि अचानक उसकी माँ के चेहरे पर गहरे दुख का भाव छा गया और वह थोड़ा मुस्कुराया। आह राजकुमार, हम फिर से किस दुखद परिस्थिति में मिल रहे हैं, और हमारा प्रिय विकलांग कैसा है, उसने कहा, मानो उसे उस पर टिकी ठंडी आक्रामक नजर का एहसास न हो। राजकुमार वासिली ने उसे और बोरिस को प्रश्नवाचक दृष्टि से और हैरानी से देखा। बोरिस ने विनम्रता से सिर झुकाया। राजकुमार वासिली ने सिर झुकाने की बात स्वीकार किए बिना अन्ना मिखाइलोवना की ओर रुख किया और सिर और होठों को हिलाकर उसके सवाल का जवाब दिया, जिससे मरीज के लिए बहुत कम उम्मीद का संकेत मिला। क्या यह संभव है, अन्ना मिखाइलोवना ने आश्चर्य से कहा। ओह कितना भयानक, यह सोचना भी भयानक है। यह मेरा बेटा है, उसने बोरिस की ओर इशारा करते हुए कहा। वह खुद आपको धन्यवाद देना चाहता था, बोरिस ने पुनः विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया। मेरा विश्वास करो राजकुमार, तुमने हमारे लिए जो किया है उसे एक माँ का दिल कभी नहीं भूलेगा। मुझे खुशी है कि मैं आपकी सेवा कर सका, मेरी प्यारी अन्ना मिखाइलोवना, राजकुमार वासिली ने कहा अपने फीते के तामझाम को ठीक करते हुए और स्वर और तरीके से। यहाँ मास्को में अन्ना मिखाइलोवना से, जिसे उसने एक दायित्व के तहत रखा था, अन्ना शेरेर के स्वागत में पीटर्सबर्ग में किए गए अपने व्यवहार की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण व्यवहार किया। अच्छी तरह से सेवा करने की कोशिश करो और खुद को योग्य साबित करो, उसने बोरिस को गंभीरता से संबोधित करते हुए कहा। मुझे खुशी है, क्या तुम यहाँ छुट्टी पर आए हो, उसने उदासीनता के अपने सामान्य स्वर में कहा। महामहिम, मैं अपनी नई रेजिमेंट में शामिल होने के लिए आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बोरिस ने उत्तर दिया। राजकुमार के अशिष्ट व्यवहार पर न तो झुंझलाहट दिखाई, न ही बातचीत में शामिल होने की इच्छा, बल्कि इतने शांत और सम्मानपूर्वक बोला कि राजकुमार ने उसे खोजी नजर से देखा। क्या आप अपनी माँ के साथ रह रहे हैं, मैं काउंटेस रोस्तोवा के यहाँ रह रहा हूँ, बोरिस ने उत्तर दिया और फिर जोड़ा। महामहिम, अन्ना मिखाइलोवना ने कहा, यानी इल्या रोस्तोव के साथ, जिसने नताली शिनशीना से शादी की थी। मुझे पता है, मुझे पता है, राजकुमार वासिली ने अपनी नीरस आवाज में उत्तर दिया। मैं कभी नहीं समझ पाया कि नटाली ने उस बेपरवाह भालू से शादी करने का मन कैसे बनाया। मुझे बताया गया कि वह एक बिल्कुल बेतुका और बेवकूफ आदमी है और एक जुआरी भी है, लेकिन राजकुमार वह बहुत दयालु व्यक्ति है, अन्ना मिखाइलोवना ने दयनीय मुस्कान के साथ कहा। जैसे कि वह भी जानती हो कि काउंट रोस्तोव इस निंदा के हकदार हैं, लेकिन उसने उनसे कहा कि वह बेचारे बूढ़े व्यक्ति पर बहुत ज्यादा सख्ती न करें। डॉक्टर क्या कहते हैं, राजकुमारी ने कुछ देर रुकने के बाद पूछा। उसके थके हुए चेहरे पर फिर से गहरा दुख व्यक्त हो रहा था। राजकुमार ने उत्तर दिया, वे बहुत कम आशा देते हैं, और मैं एक बार अंकल को मेरे और बोरिस के प्रति उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। वह उनके गॉडसन है, उसने कहा। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि इस तथ्य से प्रिंस वासिली को बहुत संतुष्टि मिलनी चाहिए। राजकुमार वासिली सोच में पड़ गया और भौहें सिकोड़ ली। अन्ना मिखाइलोवना ने देखा कि वह काउंट बेजुखोव के भाग्य के लिए उसके प्रतिद्वंद्वी को खोजने से डर रहा था और उसे आश्वस्त करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। अगर चाचा के प्रति
मेरा सच्चा स्नेह और समर्पण न होता। उसने कहा, यह शब्द अजीब और गरीब आश्वासन और बेपरवाही के साथ बोलते हुए, मैं उनके चरित्र को जानती हूँ, नेक, ईमानदार, लेकिन आप देखिए कि उनके साथ युवा राजकुमारियों के अलावा कोई नहीं है, वे अभी भी युवा हैं। उसने अपना सिर झुकाया और फुसफुसाते हुए कहा, क्या उन्होंने अपना अंतिम कर्तव्य पूरा कर लिया है राजकुमार? वे अंतिम क्षण कितने अमूल्य हैं, इससे हालात और खराब नहीं हो सकते, और अगर वे इतने बीमार हैं तो उन्हें तैयार करना बिल्कुल जरूरी है। हम औरतें, राजकुमार, और वह कोमलता से मुस्कुराई, हमेशा ये बातें कहना जानती हैं। मुझे उनसे जरूर मिलना है, चाहे मेरे लिए यह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, मुझे दुख सहने की आदत है। जाहिर है राजकुमार उसे समझ गया था, और यह भी समझ गया था, जैसा कि उसने अन्ना पावलोवना के मामले में किया था, कि अन्ना मिखाइलोवना से छुटकारा पाना मुश्किल होगा। क्या ऐसी मुलाकात उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, प्रिय अन्ना मिखाइलोवना? उसने कहा, हमें शाम तक इंतजार करना चाहिए, डॉक्टरों को संकट की आशंका है, लेकिन राजकुमार, ऐसे समय में कोई देरी नहीं कर सकता। विचार करें कि उसकी आत्मा का कल्याण दांव पर लगा है। आह, यह भयानक है। एक ईसाई के कर्तव्य, भीतरी कमरों में से एक का दरवाजा खुला और एक राजकुमारी जो काउंट की भतीजी थी ठंडे सख्त चेहरे के साथ अंदर आई। उसके शरीर की लंबाई उसके छोटे पैरों के अनुपात में बहुत ज्यादा थी। राजकुमार वासिली ने उसकी ओर रुख किया। अच्छा, वह कैसा है? अभी भी वही है, लेकिन आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? यह शोर, राजकुमारी ने अन्ना मिखाइलोवना को एक अजनबी की तरह देखते हुए कहा, आह मेरी प्यारी, मैं तुम्हें शायद ही जानती थी, अन्ना मिखाइलोवना ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, और काउंट की भतीजी के पास हल्के से चली गई। मैं आई हूँ और अपने चाचा की देखभाल करने में आपकी मदद करने के लिए आपकी सेवा में हूँ। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि आपने क्या क्या सहा होगा। और उसने सहानुभूति पूर्वक अपनी आंखें घुमाई। राजकुमारी ने कोई उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराई भी नहीं, बल्कि जैसे ही अन्ना मिखाइलोवना ने अपने दस्ताने उतारे, वह कमरे से बाहर चली गई और अपनी जीती हुई स्थिति में आकर एक कुर्सी पर बैठ गई तथा राजकुमार वासिली को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। बोरिस, उसने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा, मैं काउंट से मिलने जाऊंगी मेरे चाचा, लेकिन तुम मेरे प्यारे इस बीच पियरे के पास चले जाओ और उसे रोस्तोव का निमंत्रण देना मत भूलना, वे उसे खाने पर आमंत्रित कर रहे हैं, मुझे लगता है वह नहीं जाएगा, उसने राजकुमार की ओर मुड़ते हुए कहा। इसके विपरीत राजकुमार ने उत्तर दिया जो स्पष्ट रूप से उदास हो गया था, मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप मुझे उस युवक से छुटकारा दिला दे, वह यहाँ है। और काउंट ने एक बार भी उसके बारे में नहीं पूछा, उसने अपने कंधे उचका दिए। एक नौकर बोरिस को सीढ़ियों से नीचे और दूसरे से ऊपर ले गया पियरे के कमरे तक। अध्याय 16। पियरे आखिरकार पीटर्सबर्ग में अपने लिए कोई करियर नहीं चुन पाया था और उपद्रवी आचरण के लिए उसे वहां से निकाल दिया गया था और मास्को भेज दिया गया था। काउंट रोस्तोव के यहाँ उसके बारे में जो कहानी सुनाई गई थी वह सच थी। पियरे ने एक पुलिसकर्मी को भालू से बांधने में हिस्सा लिया था। वह अब कुछ दिनों से मास्को में था और हमेशा की तरह अपने पिता के घर पर रह रहा था। हालांकि उसे उम्मीद थी कि उसके भागने की कहानी मास्को में पहले से ही जानी जाएगी और उसके पिता के बारे में महिलाएं जो कभी उसके प्रति अनुकूल नहीं थी इसका इस्तेमाल काउंट को उसके खिलाफ करने के लिए करेंगी। फिर भी वह अपने आगमन के दिन घर के अपने पिता के हिस्से में गया। ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए जहां राजकुमारियां अपना अधिकांश समय बिताती थी उसने महिलाओं का अभिवादन किया जिनमें से दो कढ़ाई के फ्रेम पर बैठी थी जबकि तीसरी जोर से पढ़ रही थी। सबसे बड़ी पढ़ रही थी वह जो अन्ना मिखाइलोवना से मिली थी। दोनों छोटी लड़कियां कढ़ाई कर रही थी। दोनों गुलाबी और सुंदर थी और उनमें सिर्फ इतना अंतर था कि एक के होंठ पर एक छोटा सा तिल था जो उसे और भी सुंदर बना रहा था। पियरे का स्वागत ऐसे किया गया मानो वह कोई लाश या कोढ़ी हो। सबसे बड़ी राजकुमारी ने पढ़ना बंद कर दिया और चुपचाप उसे भयभीत आंखों से घूरने लगी। दूसरी ने भी ठीक वैसा ही भाव धारण कर लिया जबकि सबसे छोटी जिसके पास तिल था जो एक हंसमुख और जीवंत स्वभाव की थी अपनी मुस्कान को छिपाने के लिए अपने शरीर पर झुक गई जो शायद उसने पहले से देखे गए मनोरंजक दृश्य के कारण पैदा की थी। उसने अपने ऊन को कैनवास के माध्यम से नीचे खींचा और
मुश्किल से हंसने से खुद को रोक पाने में सक्षम झुकी हुई थी, जैसे कि पैटर्न को समझने की कोशिश कर रही हो। कैसे हो चचेरे भाई, पियरे ने कहा। तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, बहुत अच्छी तरह। काउंट कैसा है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? पियरे ने हमेशा की तरह अजीब तरीके से लेकिन बेबाकी से पूछा। काउंट शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित है और जाहिर है आपने उसकी मानसिक पीड़ा को बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। क्या मैं काउंट को देख सकता हूँ? पियरे ने फिर पूछा। हम अगर तुम उसे मारना चाहते हो, सीधे मारना चाहते हो, तो तुम उसे देख सकते हो। ओल्गा, जाकर देखो कि अंकल की बीफ टी तैयार है या नहीं, लगभग समय हो गया है, उसने कहा, जिससे पियरे को यह समझ में आ गया कि वे व्यस्त थे और अपने पिता को सहज बनाने में व्यस्त थे, जबकि स्पष्ट रूप से वह पियरे केवल उन्हें परेशान करने में व्यस्त था। ओल्गा बाहर चली गई। पियरे बहनों को देखता हुआ खड़ा रहा, फिर उसने सिर झुकाया और कहा, फिर मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा, तुम मुझे बता देना कि मैं उसे कब देख सकता हूँ, और वह कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे दिलवाली बहन की धीमी लेकिन गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। अगले दिन राजकुमार वासिली आ गया और काउंट के घर में रहने लगा। उसने पियरे को बुलाया और उससे कहा, मेरे प्यारे साथी, अगर तुम यहाँ वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा तुमने पीटर्सबर्ग में किया था, तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। मुझे तुमसे बस इतना ही कहना है, काउंट बहुत बीमार है और तुम्हें उससे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तब से पियरे को कोई परेशानी नहीं हुई और उसने पूरा समय ऊपर अपने कमरे में ही बिताया। जब बोरिस उसके दरवाजे पर आया तो पियरे अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था, कभी कभी एक कोने में रुककर दीवार की ओर खतरनाक इशारे कर रहा था, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन पर तलवार चला रहा हो और अपने चश्मे के ऊपर से क्रूरता से घूर रहा हो, और फिर अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण करते हुए, अपने कंधों को उचकाते हुए और इशारे करते हुए अपनी चाल फिर से शुरू कर देता था। इंग्लैंड का अंत हो चुका है, उसने कहा, भौहें सिकोड़ते हुए और किसी अदृश्य व्यक्ति की ओर अपनी उंगली उठाते हुए। श्री पिट, राष्ट्र और मानव अधिकारों के गद्दार के रूप में सजा सुनाई जाती है, लेकिन इससे पहले कि पियरे, जिसने उस समय खुद को व्यक्तिगत रूप से नेपोलियन होने की कल्पना की और जो डोवर के जलडमरू मध्य को पार करने और लंदन पर कब्जा करने में सफल रहा, पिट की सजा सुना पाता, उसने एक सुगठित और सुंदर युवा अधिकारी को अपने कमरे में प्रवेश करते देखा। पियरे रुक गया। उसने मॉस्को तब छोड़ा था जब बोरिस 14 साल का लड़का था और उसे पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन अपने सामान्य आवेगपूर्ण और हार्दिक तरीके से उसने बोरिस को एक दोस्ताना मुस्कान के साथ हाथ से पकड़ लिया। क्या तुम्हें मेरी याद है? बोरिस ने एक सुखद मुस्कान के साथ धीरे से पूछा। मैं अपनी माँ के साथ काउंट को देखने आया हूँ, लेकिन लगता है कि वह ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि वह बीमार है, लोग हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं, पियरे ने उत्तर दिया, यह याद करने की कोशिश करते हुए कि यह युवक कौन था। बोरिस को लगा कि पियरे ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन उसने अपना परिचय देना आवश्यक नहीं समझा और बिना किसी शर्मिंदगी के पियरे की ओर सीधे देखा। काउंट रोस्तोव ने तुम्हें आज भोजन पर आने के लिए कहा है, उसने काफी देर तक चुप रहने के बाद कहा, जिससे पियरे को असहज महसूस हुआ। आह, काउंट रोस्तोव, पियरे ने खुशी से कहा, तो फिर तुम उनके बेटे हो इल्या। बस कल्पना करो, मैं तुम्हें पहले नहीं जानता था। क्या तुम्हें याद है कि हम मैडम जैकवॉट के साथ स्पैरो हिल्स कैसे गए थे? ये ऐसी उम्र है, आप गलत हैं, बोरिस ने जानबूझकर एक साहसी और थोड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मैं बोरिस हूँ, राजकुमारी अन्ना मिखाइलोवना ड्रुबेत्स्काया का बेटा। पिता रोस्तोव का नाम इल्या है और उसका बेटा निकोलस है। मैं कभी किसी मैडम जैकवॉट को नहीं जानता था, पियरे ने अपना सिर और हाथ हिलाए जैसे मच्छरों या मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया हो। ओह प्रिय, मैं किस बारे में सोच रहा हूँ, मैंने सब कुछ मिला दिया है। मॉस्को में इतने सारे रिश्तेदार होते हैं, तो आप बोरिस हैं? बेशक, खैर अब हम जानते हैं कि हम कहाँ हैं और आप बोलोग ने अभियान के बारे में क्या सोचते हैं। आप जानते हैं, अगर नेपोलियन चैनल पार कर गया तो अंग्रेजों का बुरा हाल हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभियान काफी संभव है। काश विलेन्यूवे चीजों को गड़बड़ न कर दे। बोरिस को बोलोग ने अभियान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसने कागजात नहीं पढ़े थे और यह पहली बार था जब उसने विलेन्यूवे का नाम सुना था। हम यहाँ मॉस्को में राजनीति से ज्यादा डिनर
पार्टियों और घोटालों में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने अपने शांत व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। मास्को मुख्य रूप से गपशप में व्यस्त रहता है, उन्होंने आगे कहा। अभी वे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बारे में बात कर रहे हैं। पियरे ने अपने अच्छे स्वभाव से मुस्कुराया, मानो अपने साथी की खातिर डर रहा हो कि कहीं वह कुछ ऐसा न कह दे जिसका बाद में उसे पछतावा हो। लेकिन बोरिस ने पियरे की आंखों में सीधे देखते हुए स्पष्ट रूप से और शुष्कता से बात की। बोरिस ने कहा, मॉस्को में गपशप के अलावा और कुछ नहीं है। हर कोई सोच रहा है कि काउंट अपनी संपत्ति किसके पास छोड़ जाएगा, हालांकि शायद वह हम सभी से ज्यादा जिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह। हाँ, यह सब बहुत भयानक है, पियरे ने बीच में टोकते हुए कहा। बहुत भयानक। पियरे को अब भी डर था कि कहीं यह अधिकारी अनजाने में ही कुछ ऐसा न कह दे जो उसे परेशान कर दे। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बोरिस ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, लेकिन अपने स्वर या रवैये को बदले बिना, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हर कोई अमीर आदमी से कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही है, पियरे ने सोचा, लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ ताकि गलतफहमी से बचा जा सके कि अगर आप मुझे या मेरी माँ को ऐसे लोगों में गिनते हैं तो आप पूरी तरह से गलतफहमी में हैं। हम बहुत गरीब हैं, लेकिन मेरी अपनी बात पर ध्यान दे, क्योंकि आपके पिता अमीर हैं, इसलिए मैं खुद को उनका रिश्तेदार नहीं मानता और न ही मैं और न ही मेरी माँ कभी उनसे कुछ मांगेंगे या लेंगे। बहुत देर तक पियरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसे कुछ समझ में आया तो वह सोफे से उछल पड़ा, अपने तेज अनाड़ी अंदाज में बोरिस की कोहनी को पकड़ लिया और बोरिस से कहीं अधिक शर्माते हुए शर्म और झुंझलाहट के मिश्रित भाव के साथ बोलने लगा, अच्छा, यह तो अजीब है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कौन सोच सकता है? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन बोरिस ने फिर उसे बीच में रोक दिया, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी बात पूरी तरह कह दी। शायद तुम्हें यह पसंद नहीं आया, तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए, उसने पियरे को सहज करते हुए कहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया है। मैं हमेशा अपनी बात खुलकर कहने का नियम बनाता। खैर, मुझे क्या जवाब देना चाहिए? क्या तुम रोस्तोव के यहाँ डिनर पर आओगे? और बोरिस स्पष्टतः एक भारी कर्तव्य से मुक्त होकर स्वयं को एक अजीब स्थिति से निकालकर तथा उसमें किसी अन्य को डालकर पुनः काफी प्रसन्न चित्त हो गया। नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ, पियरे ने शांत होते हुए कहा, तुम एक अद्भुत व्यक्ति हो। तुमने अभी जो कहा वह अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेशक तुम मुझे नहीं जानते, हम इतने लंबे समय से नहीं मिले हैं, बचपन से नहीं। तुम सोच सकते हो कि मैं समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ। मैं यह खुद नहीं कर सकता था, मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन यह शानदार है। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। ये अजीब है, उसने कुछ देर रुकने के बाद कहा, कि तुम्हें मुझ पर शक हुआ। वह हंसने लगा। अच्छा, इससे क्या? मुझे उम्मीद है कि हम बेहतर तरीके से परिचित हो जाएंगे। और उसने बोरिस का हाथ दबाया। क्या तुम जानते हो, मैं एक बार भी काउंट से मिलने नहीं गया, उसने मुझे नहीं बुलाया। एक आदमी के तौर पर मुझे उसके लिए दुख है, लेकिन कोई क्या कर सकता है। तो क्या आपको लगता है कि नेपोलियन सेना लेकर पार जाने में सफल हो जाएगा? बोरिस ने मुस्कुराते हुए पूछा। पियरे ने देखा कि बोरिस विषय बदलना चाहता था और उसी विचार के कारण उसने बोलोगने अभियान के फायदे और नुकसान के बारे में बताना शुरू कर दिया। एक नौकर बोरिस को बुलाने के लिए आया। राजकुमारी जा रही थी। पियरे ने बोरिस को बेहतर तरीके से जानने के लिए रात के खाने पर आने का वादा किया और उसके हाथ को गर्मजोशी से दबाते हुए अपने चश्मे के ऊपर से बोरिस की आंखों में प्यार से देखा। उसके जाने के बाद पियरे लंबे समय तक कमरे में इधर उधर घूमता रहा। अब वह अपनी काल्पनिक तलवार से किसी काल्पनिक दुश्मन को नहीं भेद रहा था, बल्कि उस सुखद, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चय युवक की याद में मुस्कुरा रहा था, जैसा कि युवावस्था में अक्सर होता है, विशेषकर एकाकी जीवन जीने वाले व्यक्ति के साथ। उन्होंने इस युवक के प्रति एक अप्रत्याशित कोमलता महसूस की और निश्चय किया कि वे दोनों मित्र बनेंगे। राजकुमार वसीली ने राजकुमारी को विदा किया। उसने अपनी आंखों पर रूमाल रखा हुआ था और उसका चेहरा आंसू से भरा हुआ था। यह भयानक है, भयानक, वह कह रही थी, लेकिन चाहे जो भी हो, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मैं आऊंगी और रात बिताऊंगी। उसे ऐसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, हर पल कीमती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसकी भतीजियां इसे क्यों टाल रही हैं। शायद भगवान मुझे उसे तैयार करने का कोई तरीका खोजने में मदद करे। अलविदा राजकुमार, भगवान तुम्हारा साथ दे। अलविदा माँ बोलने, राजकुमार वासिली ने उससे दूर होकर उत्तर दिया। ओह, वह बहुत बुरी हालत में है, माँ ने अपने बेटे से कहा
जब वे गाड़ी में बैठे थे, वह शायद ही किसी को पहचान पाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ पियरे के प्रति उसका रवैया क्या है, बेटे ने पूछा। वसीयत यह दिखाएगी मेरे प्रिय, हमारा भाग्य भी इस पर निर्भर करता है। लेकिन आप यह उम्मीद क्यों करते हैं कि वह हमारे लिए कुछ छोड़ जाएगा? आह मेरे प्यारे, वह इतना अमीर है और हम इतने गरीब हैं। खैर, यह कोई पर्याप्त कारण नहीं है माँ। हे भगवान, वह कितना बीमार है, माँ ने चिल्लाकर कहा। अध्याय 7। अन्ना मिखाइलोवना अपने बेटे के साथ काउंट सिरिल व्लादिमीरोविच बेजुखोव से मिलने के लिए चली गई। काउंटेस रोस्तोवा बहुत देर तक अकेली बैठी रही और अपनी आंखों पर रुमाल रखे रही। आखिरकार उसने फोन किया। क्या बात है मेरी प्यारी, उसने नौकरानी से नाराज होकर पूछा, जिसने उसे कुछ मिनट तक इंतजार करवाया। क्या तुम मेरी सेवा नहीं करना चाहती? फिर मैं तुम्हारे लिए कोई और जगह ढूंढ दूंगी। काउंटेस अपनी सहेली के दुहक और अपमानजनक गरीबी से परेशान थी और इसलिए वह बेचैन थी। उसकी मनह स्थिति हमेशा उसकी नौकरानी को मेरी प्यारी कहने और उसके साथ अतिशय विनम्रता से बात करने में अभिव्यक्त होती थी। नौकरानी ने जवाब दिया, मुझे बहुत खेद है मैडम, काउंट से कहो कि वह मेरे पास आए। काउंट हमेशा की तरह दोषी भाव से अपनी पत्नी को देखने के लिए लड़खड़ाता हुआ आया। अच्छा छोटी काउंटेस, गेम ओ माडेरे का क्या तड़का है? मेरी प्यारी, मैंने इसका स्वाद चखा। तारास के लिए मैंने जो 1000 रूबल दिए वे बेकार नहीं गए, वह इसके लायक है। वह अपनी पत्नी के पास बैठ गया। उसकी कोहनियां घुटनों पर टिकी थीं और उसके हाथ उसके सफेद बालों को सहला रहे थे। तुम्हारी क्या आज्ञा है छोटी काउंटेस? देखा मेरे प्यारे, ये क्या गड़बड़ है, उसने उसकी वास्कट की ओर इशारा करते हुए कहा। शायद यह सौते की वजह से है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा देखा काउंट, मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसका चेहरा उदास हो गया। ओह छोटी काउंटेस, और काउंट अपनी पॉकेटबुक निकालने के लिए दौड़ पड़ा। मुझे बहुत कुछ चाहिए काउंट, मुझे 500 रूबल चाहिए, और अपना कैम्ब्रिक रुमाल निकालकर उसने अपने पति की वास्कट पोंछना शुरू कर दिया। हाँ तुरंत तुरंत, अरे कौन है वहाँ, उसने ऐसे स्वर में पुकारा जो सिर्फ उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो इस बात को लेकर आश्वस्त होते हैं कि वे जिन्हें बुलाएंगे वे बुलाने पर तुरंत आज्ञा का पालन करेंगे। दिमित्री को मेरे पास भेजो। दिमित्री एक अच्छे परिवार का व्यक्ति जो काउंट के घर में पला बढ़ा था और अब उसके सभी मामलों का प्रबंधन करता था, धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। यही तो मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, काउंट ने उस विनम्र युवक से कहा जो अंदर आया था। मुझे लाओ, उसने एक पल सोचा। हाँ मुझे 700 रूबल लाओ। हाँ लेकिन ध्यान रहे, मुझे पिछली बार की तरह फटे और गंदे नोट मत लाना, बल्कि काउंटेस के लिए अच्छे साफ नोट लाना। हाँ दिमित्री, कृपया साफ वाले, काउंटेस ने गहरी सांस लेते हुए कहा। महामहिम, आप उन्हें कब चाहते हैं? दिमित्री ने पूछा। मुझे आपको सूचित करने की अनुमति दे, लेकिन बेचैन न हो, उन्होंने कहा। यह देखते हुए कि काउंट भारी और तेजी से सांस लेने लगा था, जो हमेशा गुस्से के आने का संकेत था, मैं भूल रहा था, क्या आप चाहते हैं कि इसे तुरंत लाया जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, लाओ काउंटेस को दे दो। दिमित्री कितना खजाना है, काउंट ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह युवक चला गया, उसके लिए कभी भी कुछ भी असंभव नहीं होता। यह एक ऐसी चीज है जिससे मुझे नफरत है, सब कुछ संभव है। आह पैसा काउंट, पैसा, दुनिया में इससे कितना दुख होता है, काउंटेस ने कहा। लेकिन मुझे इस रकम की बहुत जरूरत है। तुम मेरी छोटी काउंटेस एक कुख्यात खर्चीली हो, काउंट ने कहा, और अपनी पत्नी के हाथ चूमने के बाद वह अपने अध्ययन कक्ष में वापस चला गया। जब अन्ना मिखाइलोवना काउंट बेजुखोव के पास से लौटी तो साफ सुथरे नोटों में पैसे काउंटेस की छोटी सी मेज पर रूमाल के नीचे रखे हुए थे और अन्ना मिखाइलोवना ने देखा कि कुछ उसे परेशान कर रहा था। अच्छा मेरी प्रिय, काउंटेस ने पूछा। ओह वह कितनी बुरी हालत में है, कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, वह इतना बीमार है। मैं वहाँ सिर्फ कुछ पल ही रहा और मुश्किल से एक शब्द भी बोला। एनेट, भगवान के लिए मुझे मना मत करना, काउंटेस ने कहा। उसके पतले प्रतिष्ठित बुजुर्ग चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी दिख रही थी और उसने रुमाल के नीचे से पैसे निकाल लिए। अन्ना मिखाइलोवना ने तुरंत उसके इरादे को भांप लिया और उचित समय पर काउंटेस को गले लगाने के लिए झुकी। यह मेरी तरफ से बोरिस के लिए है, उसके पहनावे के लिए। अन्ना मिखाइलोवना पहले से ही उसे गले लगा रही थी और रो रही थी। काउंटेस भी रो पड़ी। वे रोए
क्योंकि वे दोस्त थे और क्योंकि वे दयालु थे और क्योंकि उन्हें बचपन के दोस्तों को पैसे जैसी नीच चीज के बारे में सोचना पड़ता था और क्योंकि उनकी जवानी खत्म हो गई थी, लेकिन वे आंसू उन दोनों के लिए सुखद थे। अध्याय 7। काउंटेस रोस्तोवा अपनी बेटियों और बहुत से मेहमानों के साथ पहले से ही ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। काउंट ने सज्जनों को अपने अध्ययन कक्ष में ले जाकर तुर्की पाइपों का अपना पसंदीदा संग्रह दिखाया। समय समय पर वह बाहर जाकर पूछता था, क्या वह अभी तक नहीं आई है? वे मरिया दिमित्रिवना अखरोसिमोवा की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्हें समाज में भयानक ड्रैगन के रूप में जाना जाता था। एक ऐसी महिला जो धन या पद के लिए नहीं बल्कि सामान्य ज्ञान और स्पष्ट भाषण के लिए प्रतिष्ठित थी। मरिया दिमित्रिवना शाही परिवार के साथ साथ पूरे मास्को और पीटर्सबर्ग में जानी जाती थी और दोनों शहर उस पर आश्चर्य करते थे, उसकी असभ्यता पर निजी तौर पर हंसते थे और उसके बारे में अच्छी कहानियां सुनाते थे, जबकि फिर भी बिना किसी अपवाद के सभी उसका सम्मान करते थे और उससे डरते थे। काउंट के कमरे में, जो तंबाकू के धुएं से भरा हुआ था, वे घोषणा पत्र में घोषित युद्ध और भर्ती के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से किसी ने अभी तक घोषणा पत्र नहीं देखा था, लेकिन वे सभी जानते थे कि यह प्रकाशित हो चुका है। काउंट सोफे पर दो मेहमानों के बीच बैठा था जो धूम्रपान कर रहे थे और बातें कर रहे थे। उसने न तो धूम्रपान किया और न ही बात की, लेकिन पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ अपना सिर झुकाकर स्पष्ट आनंद के साथ धूम्रपान करने वालों को देखा और अपने दो पड़ोसियों की बातचीत सुनी, जिन्हें उसने एक दूसरे के खिलाफ उकसाया था। उनमें से एक पीला, साफ सुथरा, पतला और झुर्रियों वाला चेहरा वाला नागरिक था, जो पहले से ही बीमार हो रहा था। हालांकि वह सबसे फैशनेबल युवक की तरह कपड़े पहने हुए था, वह सोफे पर अपने पैरों को ऊपर करके बैठा था, जैसे कि वह बिल्कुल घर पर हो, और अपने मुंह में एम्बर माउथपीस को बहुत दूर तक फंसाए हुए धुएं को अंदर खींच रहा था और अपनी आंखें सिकोड़ रहा था। यह एक बूढ़ा कुंवारा था, शिनशिन, काउंटेस का चचेरा भाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक तीखी जुबान थी, जैसा कि मास्को समाज में कहा जाता है। वह अपने साथी के प्रति कृपालु लग रहा था। बाद वाला गार्ड का एक ताजा गुलाबी अधिकारी, पूरी तरह से धोया हुआ, ब्रश किया हुआ और बटन लगाए हुए, अपने पाइप को अपने मुंह के बीच में पकड़े हुए था और लाल होंठों से धीरे से धुआं खींच रहा था। उसे अपने सुंदर मुंह से छल्लों के रूप में बाहर निकलने दे रहा था। यह लेफ्टिनेंट बर्ग था, जो सेमेनोव रेजिमेंट का एक अधिकारी था, जिसके साथ बोरिस को सेना में शामिल होने के लिए यात्रा करनी थी और जिसके बारे में नताशा ने अपनी बड़ी बहन वेरा को चिढ़ाते हुए कहा था कि बर्ग उसका मंजिल है। काउंट उनके बीच बैठा और ध्यान से सुनता रहा। बोस्टन, एक कार्ड गेम जिसे वह बहुत पसंद करता था, न खेलने के अलावा उसका पसंदीदा काम श्रोता बनना था, खासकर जब वह दो बातूनी लोगों को एक दूसरे पर हमला करने में सफल हो जाता था। ठीक है, तो फिर बूढ़े दोस्त, मेरे बहुत सम्माननीय अल्फोंस कार्लोविच, शिनशिन ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए और सबसे सामान्य रूसी अभिव्यक्तियों को सबसे बढ़िया फ्रांसीसी वाक्यांशों के साथ मिलाते हुए कहा, जो उनके भाषण की एक खासियत थी। आप अपनी कंपनी से कुछ बनाना चाहते हैं? आप सरकार से आय की आशा रखते हैं? नहीं, पीटर निकोलाविच, मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूँ कि घुड़सवार सेना में फायदे पैदल सेना की तुलना में बहुत कम हैं। अब मेरी अपनी स्थिति पर विचार करें, पीटर निकोलाविच। बर्ग हमेशा शांत, विनम्र और बहुत सटीकता से बात करते थे। उनकी बातचीत हमेशा पूरी तरह से खुद से संबंधित होती थी। जब बातचीत किसी ऐसे विषय से संबंधित होती थी जिसका उनसे कोई सीधा संबंध नहीं होता था, तो वे शांत और चुप रहते थे। वे खुद को परेशान किए बिना या दूसरों को असहज किए बिना घंटों चुप रह सकते थे, लेकिन जैसे ही बातचीत खुद से संबंधित होती, वे परिस्थितिजन्य और स्पष्ट संतुष्टि के साथ बात करना शुरू कर देते। मेरी स्थिति पर विचार करो, पीटर निकोलायेविच। अगर मैं घुड़सवार सेना में होता तो मुझे लेफ्टिनेंट के पद पर रहते हुए भी हर 4 महीने में 200 रूबल से ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन अभी मुझे 230 रूबल मिलते हैं। उसने शिनशिन और काउंट की ओर एक प्रसन्न, सुखद मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, मानो यह उसके लिए स्पष्ट हो कि उसकी सफलता हमेशा हर किसी की मुख्य इच्छा होनी चाहिए। इसके अलावा पीटर निकोलायेविच, गार्ड्स में शामिल होने से
मैं और भी प्रमुख पद पर पहुंच जाऊंगा, बर्ग ने आगे कहा। और फुट गार्ड्स में रिक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं। फिर सोचिए कि 230 रूबल से क्या क्या किया जा सकता है। मैं थोड़ा बहुत बचाकर अपने पिता को कुछ भेज भी सकता हूँ, उसने धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कहा। ला बैलेंस बाय एस्ट, जैसा कि कहावत है, एक जर्मन जानता है कि चकमक पत्थर की खाल कैसे उतारी जाती है। शिनशिन ने टिप्पणी की, अपने पाइप को अपने मुंह के दूसरी तरफ ले जाकर काउंट को आंख मारी। तो यह वर्ग मायने रखता है, काउंट जोर से हंस पड़ा। दूसरे मेहमान यह देखकर कि शिनशिन बोल रहा है, सुनने के लिए आ गए। बर्ग विडंबना या उदासीनता से बेखबर यह समझाता रहा कि कैसे गार्ड में शामिल होकर उसने कैडेट कोर के अपने पुराने साथियों पर एक कदम आगे बढ़ लिया है, कैसे युद्ध के समय कंपनी कमांडर मारा जा सकता है और वह कंपनी में वरिष्ठ होने के नाते आसानी से पद पर आसीन हो सकता है। वह रेजिमेंट में सभी के बीच कितना लोकप्रिय था और उसके पिता उससे कितने संतुष्ट थे। बर्ग को यह सब बताने में मजा आया और उसे यह संदेह नहीं था कि दूसरों के भी अपने हित हो सकते हैं, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा वह इतना सुंदर और शांत था और उसके युवा अहंकार की भोलापन इतना स्पष्ट था कि उसने अपने श्रोताओं को निहत्था कर दिया। ठीक है मेरे बेटे, तुम जहां भी जाओगे, पैदल या घोड़े पर, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। शिनशिन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए और उसके पैरों को सोफे से हटाते हुए कहा। बर्ग खुशी से मुस्कुराया। काउंट अपने मेहमानों के साथ ड्राइंग रूम में चला गया। यह एक बड़े डिनर से ठीक पहले का क्षण था जब इकट्ठे हुए मेहमान चकुस्का के लिए बुलावे की उम्मीद करते हुए किसी भी लंबी बातचीत में शामिल होने से बचते हैं, लेकिन यह दिखाने के लिए कि वे अपने भोजन के लिए बिल्कुल भी अधीर नहीं हैं, इधर उधर घूमना और बात करना जरूरी समझते हैं। मेजबान और मेजबान दरवाजे की ओर देखते हैं और कभी कभी एक दूसरे को देखते हैं और आगंतुक इन नजरों से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि वे किसका या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण रिश्तेदार जो अभी तक नहीं आया है या कोई ऐसा व्यंजन जो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हॉर्स डियोयुव्रेस पियरे रात के खाने के समय ही आया था और ड्राइंग रूम के बीच में पहली कुर्सी पर अजीब तरह से बैठा था जिससे सभी का रास्ता अवरुद्ध हो गया था। काउंटेस ने उसे बात करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह भोलेपन से अपने चश्मे से इधर उधर देखता रहा जैसे किसी की तलाश कर रहा हो, और उसने उसके सभी सवालों का जवाब एक ही शब्द में दिया। वह बीच में था और वह अकेला था जिसने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। भालू के साथ संबंध के बारे में जानने वाले अधिकांश मेहमान इस बड़े मोटे शांत आदमी को उत्सुकता से देख रहे थे, सोच रहे थे कि इतना अनाड़ी विनम्र आदमी एक पुलिसकर्मी के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकता है। आप हाल ही में आए हैं, काउंटेस ने उससे पूछा। हाँ मैडम, उसने चारों ओर देखते हुए उत्तर दिया। तुमने अभी तक मेरे पति को नहीं देखा? नहीं मैडम, वह बिल्कुल अनुचित ढंग से मुस्कुराया। आप हाल ही में पेरिस गए थे मुझे लगता है यह बहुत दिलचस्प है, बहुत ही रोचक। काउंटेस ने अन्ना मिखाइलोवना से नजरें मिलाई। अन्ना मिखाइलोवना समझ गई कि उसे इस युवक का मनोरंजन करने के लिए कहा जा रहा है और उसके पास बैठकर वह उसके पिता के बारे में बात करने लगी, लेकिन उसने उसे काउंटेस की तरह केवल एक शब्द में उत्तर दिया। अन्य मेहमान एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। रजुमोव्स्की, यह आकर्षक था, आप बहुत दयालु हैं। काउंटेस अप्राक्सिना हर तरफ से सुनाई दे रहा था। काउंटेस उठी और बॉलरूम में चली गई। मरिया दिमित्रिग्ना, उधर से उसकी आवाज आई। खुद कर्कश आवाज में जवाब आया और मरिया दिमित्रिग्ना कमरे में दाखिल हुई। सभी अविवाहित महिलाएं और यहाँ तक कि विवाहित महिलाएं भी सिवाय सबसे बूढ़ी महिला के उठ खड़ी हुई। मरिया दिमित्रिवना दरवाजे पर रुकी, लंबी और मोटी, अपने 50 साल के भूरे बालों वाले सिर को ऊंचा उठाए वह मेहमानों का निरीक्षण करती हुई खड़ी थी और इत्मीनान से अपनी चौड़ी आस्तीन को इस तरह से व्यवस्थित कर रही थी मानो उन्हें ऊपर चढ़ा रही हो। मरिया दिमित्रिवना हमेशा रूसी भाषा में बोलती थी, जिसका नाम दिवस हम मना रहे हैं, उसे और उसके बच्चों को स्वास्थ्य और खुशी मिले। उसने अपनी ऊंची
भरी हुई आवाज में कहा, जिसने बाकी सभी को दबा दिया। ठीक है तुम बूढ़े पापी। वह काउंट की ओर मुड़ी जो उसका हाथ चूम रहा था। तुम्हें मॉस्को में सुस्ती महसूस हो रही है, मैं हिम्मत कर सकती हूँ। अपने कुत्तों के साथ शिकार करने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या किया जाए बूढ़े आदमी। बस देखो कि ये चूजे कैसे बड़े हो रहे हैं। और उसने लड़कियों की ओर इशारा किया, तुम्हें उनके लिए पति ढूंढना ही होगा, चाहे तुम्हें यह पसंद हो या नहीं। अच्छा, उसने पूछा, मेरी कजाक कैसी है? मरिया दिमित्रिवना हमेशा नताशा को कजाक कहती थी। और उसने बच्ची की बांह पर हाथ फेरा जब वह निडर और प्रसन्नचित्त होकर उसका हाथ चूमने के लिए आई। मुझे पता है कि वह एक बदमाश लड़की है, लेकिन मुझे वह पसंद है। उसने अपने विशाल रेटिकुल से नाशपाती के आकार की मानिक बालियों की एक जोड़ी निकाली और उन्हें गुलाबी नताशा को दे दिया, जो अपने संत दिवस उत्सव की खुशी से मुस्कुरा रही थी। तुरंत मुड़ गई और पियरे को संबोधित किया। एह दोस्त, थोड़ा इधर आओ, उसने नरम स्वर में कहा। यहाँ आओ मेरे दोस्त। और उसने अशुभ रूप से अपनी आस्तीने और भी ऊपर कर ली। पियरे उसके पास आया और अपने चश्मे से उसे बच्चों की तरह देखने लगा। पास आओ दोस्त, जब तुम्हारे पिता पक्ष में थे तो मैं ही उन्हें सच बताती थी, और तुम्हारे मामले में यह मेरा स्पष्ट कर्तव्य है। वह रुकी, सभी चुप थे, आगे क्या होने वाला था इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से केवल एक प्रस्तावना थी। अच्छा लड़का, मेरे शब्द, अच्छा लड़का। उसके पिता मृत्युशैया पर लेटे हैं और वह एक पुलिस वाले को भालू पर बैठाकर अपना मनोरंजन कर रहा है। शर्म आनी चाहिए साहब, शर्म आनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप युद्ध में चले जाइए। वह मुड़ी और अपना हाथ काउंट को दे दिया, जो अपनी हंसी रोक नहीं सका। अच्छा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम मेज पर बैठे, मारिया दिमित्रिग्ना ने कहा। काउंट सबसे पहले मारिया दिमित्रिग्ना के साथ अंदर गया। काउंटेस हुसारो के एक कर्नल की बांह पर उसके पीछे आई, जो उनके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था, क्योंकि निकोलस को उसके साथ रेजिमेंट में जाना था। फिर अन्ना मिखाइलोवना शिनशिन के साथ आई। बर्ग ने अपना हाथ वेरा को दिया। मुस्कुराती हुई जूली करगिना निकोलस के साथ अंदर गई। उनके बाद अन्य जोड़े आए, जिन्होंने पूरे डाइनिंग हॉल को भर दिया। और सबसे आखिर में बच्चे, ट्यूटर और गवर्नेस अकेले अकेले आए। प्यादे इधर उधर घूमने लगे, कुर्सियां खंगाली गई, गैलरी में बैंड बजने लगा और मेहमान अपनी जगह पर बैठ गए। फिर काउंट के घरेलू बैंड की धुनों की जगह चाकू और कांटे की खटपट, आगंतुकों की आवाजें और प्यादों के धीमे कदमों ने ले ली। मेज के एक छोर पर काउंटेस बैठी थी, उसके दाहिनी ओर मारिया दिमित्रिग्ना और बाईं ओर अन्ना मिखाइलोवना थी। दूसरी महिला आगंतुक नीचे बैठी थी, दूसरी तरफ काउंट बैठा था, उसके बाईं ओर हुसार कर्नल और दाईं ओर शिनशिन और अन्य पुरुष आगंतुक थे। लंबी मेज के बीच में एक तरफ बड़े हो चुके युवा लोग बैठे थे, बर्ग के बगल में फेरा और बोरिस के बगल में पियरे, और दूसरी तरफ बच्चे, ट्यूटर और गवर्नेस। क्रिस्टल डिकेंटर और फलों के फूलदानों के पीछे से काउंट अपनी पत्नी और उसकी लंबी टोपी को हल्के नीले रंग के रिबन के साथ देखता रहा और अपने पड़ोसियों के गिलासों को भरने में व्यस्त रहा, अपने खुद के गिलासों को नजरअंदाज नहीं किया। काउंटेस ने बदले में परिचारिका के रूप में अपने कर्तव्यों को छोड़े बिना अनानास के पीछे से अपने पति पर महत्वपूर्ण नजर डाली, जिसका चेहरा और गंजा सिर अपनी लालिमा के कारण उसके भूरे बालों के साथ सामान्य से अधिक विपरीत लग रहा था। महिलाओं के छोर पर हर समय एक समान आवाजें सुनाई दे रही थी, पुरुषों के छोर पर आवाजें और भी तेज होती जा रही थी, खास तौर पर हुसारों के कर्नल की, जो लगातार लाल होते जा रहे थे। इतना खा पी रहे थे कि काउंट ने उन्हें दूसरे मेहमानों के लिए एक आदर्श के रूप में रखा। बर्ग कोमल मुस्कान के साथ वेरा से कह रहे थे कि प्यार एक सांसारिक नहीं बल्कि स्वर्गीय एहसास है। बोरिस अपने नए दोस्त पियरे को बता रहे थे कि मेहमान कौन है, और नताशा से नजरें मिला रहे थे, जो सामने बैठी थी। पियरे ने कम बात की, लेकिन नए चेहरों को ध्यान से देखा और खूब खाया। दो सूप में से उसने कछुए को नमकीन पैटीज के साथ चुना और एक भी डिश या वाइन को छोड़े बिना खेल में आगे बढ़ गया। इन बाद वाले को बटलर ने रहस्यमय तरीके से आगे बढ़ाया, एक नैपकिन में लपेटा, अगले आदमी के कंधों के पीछे से और फुसफुसाया। ड्राई मदीरा, हंगेरियन, राइन वाइन, जैसा भी मामला हो। काउंट के मोनोग्राम से उकेरे गए चार क्रिस्टल ग्लास में से, जो उसकी प्लेट के सामने रखे थे, पियरे ने एक को